गर्मी में इतना बड़ा बाल को संभालना, और आप लोग बोलते हैं मैं शैम्पू कौन सा यूज करती हूँ, शैम्पू कौन सा यूज करती हूँ। तो मेरा भाई यहाँ पे फोड़ रहा है नारियल, और ये देखिए कैसे फोड़ रहा है नारियल। आगे जल भाई करो, इससे पहले छेद करके इसका पानी भांगचरे भांगे भांगे गोड़ी हो जाए नहीं तो। हाँ ये देखिए, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल श्रीकांत। आई होप आप से बहुत अच्छे होंगे। और अभी हो रहा है सुबह का वक्त, सुबह के बज रहे हैं 8 बज रहे हैं, और मैं नहा चुकी हूँ और अभी जा रही हूँ पूजा करने के लिए। और मेरा गला का फिर से पता नहीं टूट गया है फिर से, तो दूसरा पहन लूँगी मैं। तो अब जाती हूँ पूजा करती हूँ पहले भगवान जी का, और मैंने ब्रश करके नहा वगैरह लिया है। और हमारे यहाँ का व्यू सुबह का, और ये हमारा नींबू का पेड़ जो कि नींबू है, इसमें बहुत सारा नींबू, अभी छोटा भी है बड़ा भी है इसमें। अभी इधर बहुत ज़्यादा जंगल हो गया इसलिए कोई जाते नहीं इधर अभी। अभी बारिश का टाइम भी है और फिर मच्छर बहुत ज़्यादा बढ़ गया इधर, तो इधर आ जाता है। इधर हमारा गेट जो है वो बंद ही रहता है, क्योंकि इधर गेट इसके विंडो सब बंद रहता है हमारा, क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा आता है। इसीलिए जाती हूँ पहले पूजा कर लेती हूँ, इसके बाद फिर नाश्ता बन रहा है, नाश्ता करूँगी। तो देखती हूँ आज के ब्लॉग में क्या क्या होता है, जो जो होगा सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे सूपी हो रही है तैयार, क्या लगा रही है सूपी? सूपी लगा रही है, इसका खूबसूरती का राज है एलोवेरा जेल। हाँ आज से मेरे मम्मी मुझे बुला रही है नाश्ता के लिए, डॉक्टर रोटी के लिए। हाँ इतने दिली मिठाई दियो ना, मिस्टी का कहाँ जा रही है? सूपी जा रही है पूजा करने और मैं जा रही हूँ नाश्ता करने। नाश्ता में छोले छोले और रोटी, और ये मम्मी कटोरी में क्यों नहीं दिए, क्योंकि मैंने मम्मी को बोला कि इसमें दे दीजिए, इसीलिए जाती हूँ और खाती हूँ। क्योंकि मेरे घर में और कुछ कुछ गेस्ट हैं, तो वो पत्तल जो होता है ना उसमें भी खाते हैं, तो इसीलिए मैंने इसमें ले लिया है। सूपी बोल रही है कि तुम भी तो गेस्ट हो, ये मेरा घर है खुद का। जाते पहले नाश्ता कर लेती हूँ फटाफट, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। सूपी कर रही है पूजा, तो सूपी से। हे गाइस, तो इतना ज़्यादा गर्मी में मुझे ब्लॉगिंग करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, बहुत गर्मी है, कल से भी ज़्यादा आज गर्मी है। और क्या बताऊँ मैं, आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैंने यहाँ पे पता, मैंने आप लोगों को बताया जैसे कि यहाँ पे खुला हुआ है तो गर्मी थोड़ा ज़्यादा लगता है यहाँ का धूप वगैरह से, और हवा भी नहीं चल रहा है, बिल्कुल भी नहीं हवा चल रहा है। जो भी थोड़ा बहुत सूट होगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी आगे। मैं नाश्ता तो हो चुका है, आज खाना में क्या स्पेशल बन रहा है वो आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। अब तो सावन भी ख़त्म हो चुका है, तो आज मिस्टर भगत भी खाने वाले हैं, उनको भी मतलब शायद वहाँ पे आज ये बन रहा है, मटन बन रहा है, मटन चावल। तो मिस्टर भगत आज मटन चावल खाएंगे, और मेरा क्या बना है यहाँ पर तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, मेरा लंच क्या रहेगा वो आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ज़्यादा गर्मी, मेरा पूरा बाल भींग गया है, आप लोग देख सकते हैं गर्मी से, लग रहा है मैं नहा कर आई हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, पूरा बाल भींगा हुआ है मेरा। और उस एक दिन शैम्पू करने के बाद 2 दिन तक सही रहता है, और फिर से यही हाल हो जाता है बाल का, देख सकते हैं आप लोग। इतना गर्मी में इतना बड़ा बाल को संभालना, और आप लोग बोलते हैं मैं शैम्पू कौन सा यूज़ करती हूँ, शैम्पू कौन सा यूज़ करती हूँ। तो बहुत जल्द मैं आप लोगों को बोलते रहती हूँ, बताऊँगी क्या शैम्पू यूज़ करती हूँ मैं। तो मैं कोई ये शैम्पू यूज़ नहीं करती हूँ, मैं नॉर्मल ही यूज़ करती हूँ। तो आप लोगों को बहुत जल्द दिखाऊँगी मैं शैम्पू, मतलब कि मेरे पास कोई ये नहीं है कि मैं हाँ यही शैम्पू यूज़ करती हूँ। हाँ करती हूँ एक ही शैम्पू, लेकिन एक ही शैम्पू यूज़ करती हूँ मैं। बस अभी आपको इतना ही बताऊँगी कि आपको जो शैम्पू यूज़ करते हैं आप, वो आयुर्वेदिक लीजिए, जैसे कि पतंजलि वगैरह का हो गया, या फिर
जैसे उसमें शिकाकाई, आंवला, रीठा ये सब रहता है, नीम रहता है, तो ये सब आप ये वाला शैम्पू यूज़ कीजिए खास करके, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और आप जो करते हैं वो एक ही शैम्पू यूज़ कीजिए, आप एक ही शैम्पू यूज़ कीजिए और उसे चेंज मत कीजिए और उसे ही यूज़ कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। अभी तो मेरा बाल बहुत ज़्यादा पतला हो गया, ऐसे तो पतला ही था मेरे बाल, बहुत ज़्यादा अभी झड़ने भी लगा है बाल, पता नहीं बहुत नज़र भी लग गया है बाल में, बहुत हल्का हो गया अभी मेरा बाल और झड़ने भी बहुत ज़्यादा झड़ता है। और अभी अभी शायद अभी गर्मी है इसकी वजह से शायद ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि पसीना के कारण है ना, हमेशा भीगा हुआ रहता है अंदर, तो इससे कमज़ोर हो जाता है और भी बाल, सूखा हुआ नहीं रहता है। और मैं शैम्पू भी दो तीन दिन हो चुका है मेरा किया हुआ, और आज मैं ऑयलिंग करूंगी और कल शैम्पू कर लूंगी अपने बालों में तो ज़्यादा अच्छा होगा। हे गाइस, तो मैं आ गई हूँ अभी बाहर बैठने के लिए, बाहर नहीं अपने घर पे ही हूँ गली में, ये रहा मेरा गली और मैं रही है, और दीदी भी है तो वो थोड़ा बाहर गई है, ये है जाने का बाहर, तो कुछ आता है ना चादर वगैरह बिकने के लिए मोहल्ले में, तो वैसा आया हुआ है तो वो गई है, मैं नहीं जा रही हूँ बाहर, और बहुत ज़्यादा बाहर तो और भी ज़्यादा गर्मी हो रहा है, ठीक है देखने दो। और ये है हम लोगों का, मतलब ये जो है ना, ये सन्नाटी बोला जाता है इसे, और इसका जो ये आप लोग देख रहे हैं ये इसमें लटक रहा है धागा की तरह, आप लोगों को नज़दीक से दिखाती हूँ मैं, तो ये जो है धागा की तरह लटकता हुआ, इसका रस्सी बनता है, बहुत मजबूत रस्सी बनता है, और इसे सन्नाटी बोला जाता है, ये ऐसे चूल्हा जलाने में काम आता है, और इसका पहले साग बनता है, मतलब इसमें जो पत्ता आता है पहले जो भी नया नया होता है तो उसमें साग बनता है इसका, और इसके बाद ये सूख जाता है, सूखने के बाद ये छुड़ा के इसका रस्सी बनता है और ये जलाने में काम आता है, और बहुत जल्दी जल जाता है, तुरंत जल जाएगा इसे थोड़ा सा जलाने से, तुरंत पूरा जल जाता है। तो ये हमारा, मतलब जो हमारा बगीचा है ना, तो हमारे बगीचा में मतलब बहुत लोग ना छुड़ा रहे थे इसे, हमारे जगह में छुड़ा रहे थे वो लोग, तो उन्होंने खुद अपने, मतलब अपने से ही हम लोगों को दिया हुआ है ये कि आप लोग ले जाओ जलाने के लिए, और मम्मी तो चूल्हा में खाना बनाती है तो मम्मी लेकर आई है जलाने के लिए, और बहुत मतलब कि अगर जैसे कि कोई भी लकड़ी वगैरह जलाना है तो इससे तुरंत जल जाता है, तो इसे सन्नाटी बोलते हैं, और ये तुरंत पट पट करके ऐसे टूटता भी है। और ये रहा मेरा नींबू का पेड़ जिसे मैंने आप लोगों को दिखाया था, और इसमें पका हुआ नींबू भी दिख रहा है, ये रहा एक यहाँ पे पका हुआ नींबू ये, और एक घर के अंदर भी पेड़ है घर के अंदर भी, तो उस पेड़ में गोल गोल होता है नींबू और इसमें लंबा लंबा नींबू होता है, दोनों अलग अलग है। हे गाइस, तो मेरा लंच आ चुका है, मम्मी ने क्या बनाया आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे है सैलेड, बहुत सारा चावल, एक परवल का भुजिया, और चिकन है ये वाला चिकन, और इसमें बहुत ज़्यादा चिकन है, मैं इतना नहीं खाऊंगी, मम्मी दे दिए मुझे, इतना नहीं खाऊंगी, इसे निकाल दूंगी, मुझे जो लेना है वो ले लूँगी और इसके बाद फिर मम्मी को दे दूँगी मैं वहाँ पर, झूठा नहीं है, अच्छा है। तो आज का मेरा लंच यही, और सभी लोग खा रहे हैं घर में, और मैं अपने यहाँ पर बैठ गई, यहाँ पर फैन भी चल रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है आज, तो मैं अपना खाना स्टार्ट करती हूँ लंच। हे गाइस, तो अभी शाम के बज रहे हैं 5 और मैं सोई थी, इसके बाद फिर उठ गई हूँ, और आप लोगों को मैं दिखाती हूँ इस टाइम भी मेरे फूल के गाछ में कितना सारा फूल है, बहुत फूल होता है, आप लोगों को बाहर जाके मैं दिखाती हूँ कितना सारा फूल है, दिखाती हूँ, ये देख सकते हैं कितना फूल है मेरे गाछ में, इतना बहुत सारा सुपी तोड़कर चढ़ाई है, पूजा की है, अभी भी इतना सारा फूल है गाछ में, और ये पपीता का पेड़ है वहाँ पे, तो पपीता का पेड़ में फूल भी आया हुआ है पपीता होने के लिए, तो बहुत जल्द इसमें पपीता भी होगा, पहले तो बहुत ज़्यादा फ्रूट होता था हमारे यहाँ पर, अभी तो बहुत घट गया है, पहले की तरह अभी नहीं होता है जैसे पहले होता था, तो पहले हमारे मतलब घर में ही फल खाने के लिए मिल जाते हैं, जैसे लीची हो जाए, आम, ये सब तो है अभी भी, और बहुत कुछ, कटहल भी नहीं हुआ है इस पर, कटहल, इसके बाद फिर जाके आपका पपीता,
और नारियल, केला, ये सब कुछ तो अभी तो नहीं है फिलहाल, अभी तो नहीं हो रहा है। अमरूद हो गया वो भी। ये है हमारा तुलसी का पौधा, अब उससे कितना घना कितना बड़ा हो गया है तुलसी। ये तो मम्मी पूजा करती है यहाँ पे। और एक ये हो गया, और एक ये भी है तुलसी का पौधा, बहुत बड़ा है ये भी। तो बहुत लोग काम से अपना लेकर जाते हैं, काम पड़ता है तो लेकर जाते हैं, और मम्मी भी काम पड़ता है तो इसे यूज़ करती है पूजा वगैरह में। और भी हुआ है, और भी है यहाँ पे, और एक है छोटा सा, वहाँ पर भी एक है छोटा सा, इधर भी है एक, ये वाला, ये अलग है, ये अलग है, बहुत सारा। और इसका जो ये होता है ना बीच, वो गिरता है बस हो जाता है। तो ये है इसका बीज, अभी और ये पकेगा तब जाके ये हो जाएगा। ये होता है इसका बीज, इसका फूल होता है, इसके बाद इसका बीज होगने के बाद ये गिर के फिर से पौधा हो जाएगा इसका। हे गाइस, तो अभी मेरा भाई जा रहा है नारियल फोड़ने के लिए। मैं उनको बोल रही हूँ, नारियल मतलब मेरा गाछ, मेरा खुद का गाछ है, जैसे कि ये वाला हुआ, तो ये मेरा नहीं है, ये चाचा लोगों का है। लड़ा उखने फूटा ना। इसके बाद फिर इधर है हमारा गाछ, इधर है, नहीं दिख रहा है अभी। मेरा खुद का पेड़ का खुद का है नारियल, तो मुझे मन कर रहा है खाने का नारियल। तो वही मेरा भाई को मैं बोल रही हूँ कि नारियल को फोड़ो, वो छील कर रखा हुआ है पहले से, फिर फोड़ के पानी निकालेगा इसका। उसके ये रहा नारियल, तो मेरा भाई यहाँ पर फोड़ रहा है नारियल। और ये देखिए कैसे फोड़ रहा है नारियल, आगे जल भाई करो। इससे पहले छेद करके इसका पानी निकाला जाएगा, इसके आदि से फोड़ा जाएगा। ये निकल रहा है इससे पानी, जलटा नोंगरा हो गया लोग छेके खेता है जल। तो यहाँ पे निकल चुका है पानी, और पानी है गंदा, गंदा हो गया है पानी, अभी भी निकल रहा है, अभी पानी इसमें है, रखना है इसे, छोड़ दो, पानी निकलेगा अभी। तो यहाँ पे नारियल फोड़ रहा है मेरा भाई, भांग गोड़ी हो जाए नहीं तो। हाँ ये देखिए फूट गया है नारियल, ये नारियल अभी थोड़ा थोड़ा गड़ी भी हो गया है ये, और इसे मोहित यहाँ पे छेद किया था इसीलिए इसका पानी निकला। ये रहा इतना पानी, ठीक तो आ चले, पानी भी पी सकते हैं ये नारियल। तो मेरे भाई ने मुझे दे दिया है नारियल खाने के लिए, ये रहा, और इसे तोड़ के रखा हुआ है यहाँ पे, इसे भी बाद में, और घर में सभी लोग है वो लोग खा लेंगे, मैं भी थोड़ा सा खाऊंगी नारियल। देखा देखा, तो यहाँ पे हमारा पेड़ का नारियल, और भी बहुत सारा नारियल है उधर पेड़ में, आप लोगों को पेड़ वो दिख नहीं रहा, छिप गया है यहाँ पे एक, यहाँ पे, और यहाँ पे इसका पत्ता थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, तो उसी का नारियल होता है। अभी जब जब गिरता है तब तक मम्मी लेकर आती है जाके, अभी नहीं है। तो मैं नारियल खाती हूँ और सबको खिलाती हूँ।